हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेयर सॉल्यूशन वीडियोस। तो मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज बेल का आइकन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जितने भी हेयर में वीडियोज देखने हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन क्लाइंट के हेयर कट करने जा रहा हूँ। इन्होंने बहुत देर पहले, एक साल पहले कुछ हेयर कट किया था, बट उनको अभी एकदम एग्जैक्ट लुक चाहिए स्टेप कट का। तो स्टेप कट के लिए हम इनको एक परफेक्ट स्टेप कट देने वाले हैं। तो सबसे पहले बाल गीले होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाल गीले नहीं होंगे तो उतने अच्छे नहीं कटेंगे। इसलिए मैं हमेशा, अगर वो शैम्पू करके आई हैं तो मैं शैम्पू नहीं करता हूँ और बाल गीले कर लेता हूँ। अगर वो नहीं करके आई और देख लेता हूँ बाल, तो फिर मैं यहाँ पर शैम्पू कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है पैडल ब्रश से। जितने भी टैंगल्स हैं वो निकाल लेने हैं। जैसे ही टैंगल्स निकल जाएंगे, अभी देखिए कितने अनटाइडी हेयर्स लग रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है वो हमारे हाथ में है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छे से सारे बालों के सारे जितने भी टैंगल्स हैं वो निकाल लेंगे। फिर मैं कर लूँगा यहाँ पे सेक्शनिंग। मैं एक सेक्शनिंग निकाल लूँगा, बालों को कर दूंगा टाई। अब देखिएगा ये सेक्शनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने सेक्शनिंग डिफरेंट किया हुआ है। मैंने क्राउन टू ईयर वाला सेक्शन लिया है। क्लाइंट से पूछ रहे हैं लेंथ कितना काटना है, शीज लाइक जितना आपको अच्छा लगता है उतना काटिए। तो ऐसे क्लाइंट करने में समटाइम मजा भी आता है कि आप एक अच्छा हेयर कट कर रहे हो और वो सेटिस्फाइड है, आप जैसे भी करो अच्छा ही करोगे। तो उन्होंने बोला, कहते काट दो जैसे मर्जी। तो मैंने एक स्ट्रेट लेंथ क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, तो अदर साइड भी इसी तरीके से हमें एक लेंथ डिसाइड करके काट लेना है बालों को। जैसे ही बाल कट जाएंगे, मैं बॉक्स कैरियर लूंगा, उसको 90 डिग्री पे काटना स्टार्ट करूंगा। 90 डिग्री पे काटने से मुझे क्या है, एक प्रॉपर लेयर्स स्टेप्स जो है वो ऐड हो जाएंगे हमारे बालों के अंदर। इसमें से गाइडलाइन लूंगा, साइड वाले बाल लूंगा, उसको अच्छे से फिर से लेयरिंग या स्टेप्स जिसको बोलते हैं वो ऐड करूंगा, ग्रेजुएशन ऐड करूंगा। तो साइड में अदर साइड भी उसी तरीके से मुझे काट लेने हैं। अगर आपको लगता है, चेकिंग कर लीजिए, रिवर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस साइड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो दोबारा से पकड़िए और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स आपको लग रहे हैं वो काट लीजिए। ओके, इसके बाद मैंने बालों में देख लिया, अगर स्टेप्स आ चुके हैं तो हम फिर से ऊपर एक बॉक्स एरिया बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स एरिया को मैं अलग से काटने वाला हूँ, यहाँ पे बॉक्स को मैं अलग से काटने वाला हूँ। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं हेयर कट को। मैंने बॉक्स का एरिया लिया है, इसमें लेंथ डिसाइड करने वाला हूँ। एक लेंथ फिक्स करके काट दूंगा, क्लाइंट से पूछूंगा एक कॉम का लेंथ मुझे रखना है और उसके बाद काट देना है। बिकॉज एक कॉम में क्या होता है कि उनको पोनी करना है, तो एक कॉम रखोगे तो पोनी आराम से हो जाता है, उसमें रबड़ आ जाता है, बाल बाहर नहीं गिरते हैं या बाहर नहीं निकलते हैं पोनी से। तो इसलिए हमें ये पोनी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने कर लिया है अभी इन दोनों को मर्ज। अब देखिएगा मैं कैसे मर्जिंग कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे बाल आएंगे साइड में, बिकॉज पीछे वाले बाल तो कटे हुए थे। तो मर्जिंग करेंगे, जितने बड़े बाल हैं उनको काट लीजिए, क्योंकि आप एक राइट टेक्निक के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा हेयर कट है, वो सीख सकते हैं और बहुत ईजी भी है। एकदम इजी वे में सिखा रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गाइडलाइन फॉलो करिए, बड़े बाल काटते जाइए, दैट्स इट, यही करना है आपको। तो बिगनर्स के लिए हमारे पास कोर्सेज भी हैं, जिन लोगों को कोर्स करना है वो आके हमारे से सीख सकते हैं और कोर्स कर सकते हैं। हमारी जो अकेडमी है वो पंजाब के अंदर है, यहाँ पर हम अकेडमी रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप आइए। अभी जैसे ही कट हो जाता है मैं फ्रंट के हेयर्स को भी चेक कर लूँगा। वहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लिया है। देन उसके बाद मुझे फ्रंट हेयर काटने के बाद तो यहां पे मुझे लेयर्स ऐड कर लेनी है ताकि जो फ्रंट में बड़े हेयर्स हैं उनको काट सकूं। उसके बाद जैसे ही ये हो जाता है मुझे क्या करना है, मुझे ड्रायर कर लेना है। लेंथ क्लाइंट को दिखा दिया है और इसमें अच्छे से आपको एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लो ड्राई करना। अगर आप ब्लो ड्राई अच्छा करते हो तो ये हेयर कट और अच्छा दिखेगा। तो हम सबसे पहले अभी कर रहे हैं ब्लो ड्राई। पहले बालों को सुखा लेंगे, जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है बालों में
वो निकालना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर सारा निकल जाएगा तो मैं सेक्शनिंग कर लूँगा। मैंने सेक्शनिंग इस तरीके से किया है ताकि मैं जो ब्लो ड्राई है, स्पायरल ब्लो ड्राई, वो अच्छे से कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी सेक्शनिंग बना लिया, अभी मैं करूँगा ब्लो ड्राई स्टार्टिंग। मैंने बालों को सुखाना स्टार्ट किया रूट से, देन लेंथ से सुखा लिया है बालों को अच्छे से। देन उसके बाद मैं छोटे राउंड ब्रश से यहाँ पे आउट कर्ल्स ऐड कर दूंगा। तो ये पहले हीट दूंगा, फिर उसके बाद मुझे गर्म हवा ठंडी हवा दोनों का कॉम्बिनेशन देना है। तो ये ध्यान रखें आप हमेशा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है एक सेक्शन क्लिप ताकि ये जो कर्ल्स हैं ये ज़्यादा स्टे करें। आपको बांध देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक आप पूरे बालों में कर्ल्स नहीं कर लेते हैं, स्पायरल ब्लो ड्राई नहीं कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पे रूट्स मैं अच्छे से सुखा रहा हूँ। मेरे देखिए साइड के ऑलमोस्ट 4 सेक्शन ही बनेंगे करने में। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ब्लो ड्राई करते हैं, एकदम अच्छे से बाल सूखने ज़रूरी हैं। जब सूख जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्पायरल आउट कर्ल्स। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, ये पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल का आइकन दबाएंगे तो जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। इसी तरीके से मुझे 4 सेक्शन बनाने हैं, चारों को इसी तरीके से ड्रायर कर लेना है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को जाके पेज को फॉलो नहीं किया है, वो जाके देखें कि हमारी वीडियोज़ वहाँ भी ट्रेंडिंग में हैं, टिकटॉक पे भी। तो वहाँ भी वीडियोज़ धमाल मचा रही हैं, जैसे कि यूट्यूब पे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, वैसे ही टिकटॉक पे भी प्यार मिल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ 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 अप्रिशिएट करते रहें हमेशा इसी तरीके से, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अभी मुझे आगे वाले बाल भी अच्छे से कर लेने हैं ड्राई, बालों को कर लेना है ड्रायर, अच्छे से सुखा लें, फिर उसके बाद स्पायरल कर्ल्स ऐड कर दें। मैं क्लिप्स इसलिए लगा रहा हूँ, हर एक ड्रायर में क्लिप्स लगाता हूँ ऑलमोस्ट, जिसमें मैं कर्ल्स करता हूँ स्पायरल। तो उसमें क्या होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं जितने भी कर्ल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले हेयर्स को भी, जो मैंने एक हाफ मून सेक्शन लिया हुआ था उसको अलग से बांधा हुआ है, बॉक्स एरिया मैंने अलग से किया हुआ है। तो टोटल मैंने 6 सेक्शन में ब्लो ड्राई किया। आप देख रहे हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें 10 मिनट लगते हैं आपको ब्लो ड्राई करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप ये सेक्शनिंग से ब्लो ड्राई करते हो। तो ये सबसे इजी सेक्शनिंग फास्ट ब्लो ड्राई करने की है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये सेक्शनिंग कैसे निकाला जाता है। अगर आपको हार्ड एंड फास्ट काम करना है, बैक टू बैक आपके पास क्लाइंट है और आपको 5 से 10 मिनट में हेयर कट करके और ब्लो ड्राई भी करना है, तो ये सबसे फास्ट टेक्निक है ब्लो ड्राई करने की। तो यहाँ पे बॉक्स एरिया, बाकी आप देख रहे हो प्रॉपर वीडियो बना है मेरा 10 मिनट का, उसमें मैंने ब्लो ड्राई भी किया है, हेयर कट भी किया है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने टोटल 20 मिनट्स लिए हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड भी किया हुआ है और थोड़ा सा स्लो भी किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए सारे बाल काटने हैं, और टाइमिंग भी ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि आप बिगिनर हो तो टाइम ज़्यादा ले लो, 1 घंटे तक हेयर कट ही करते रहो ब्लो ड्राई में, फिर 1 घंटा लगा दो तो क्लाइंट आपके पास ज़्यादा देर नहीं बैठेगा। यहाँ पे जैसे ही ब्लो ड्राई हो जाता है मैं सारे रोलर्स को खोल दूंगा। आप देख रहे हो कितने अच्छे कर्ल्स आ चुके हैं, इनको अच्छे से आपको स्पॉइल कर देना है, खोल देने हैं। जैसे ही खोलूँगा आप देखिएगा इनका रिजल्ट क्या आता है खोलने के बाद। सारे बालों को अपनी फिंगर को आपको कॉम बना लेना है और सारे बालों में फेर देना है। उससे क्या होगा, जितने भी कर्ल्स हैं वो अच्छे से आउट कर्ल्स होने शुरू हो जाएंगे और दिखाई देंगे कि हमने जो भी काम किया है वो कैसा हुआ है। दोनों साइड से आप ऐसे करें, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही है क्योंकि पड़ोस में कुछ काम चल रहा है कारपेंटर का, तो उसकी आवाज़ें भी आती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। बैक टू बैक सलॉन्स पे भी क्लाइंट रहते हैं और वीडियो भी रिकॉर्डिंग करनी रहती है, और टिकटॉक पे भी वीडियो डाल रहा हूँ तो वहाँ पे भी बैक टू बैक अच्छी वीडियोस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हो वहाँ भी अगर आपको पसंद आता है तो। टिकटॉक एक एप्लीकेशन है म्यूज़िकली जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये स्लो मोशन करके दिखा रहा हूँ मैं वीडियो में कि आपको ये जो स्टेप्स हैं वो कैसे दिखते हैं, जस्ट सी इट।
आपको अगर ये हेयर कट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, शेयर अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ कर दें, इसको व्हाट्सएप पे शेयर करें, इसको फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें लोगों के साथ। इसका जो लिंक है, तो ये हेयर कट होने के बाद उनको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिल गया, तो उनको बहुत पसंद आ रहा है ये हेयर कट। तो आप भी ऐसे हेयर कट सीख सकते हैं मेरे से आके, आइए मेरी एकेडमी में और ऐसे हेयर कट्स, ऐसे बेसिक हेयर कट्स जो हैं मैं आपको सिखा सकता हूँ एकदम इजी तरीके से। अगर आपको सीखना है तो आप जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। आज के लिए ऑलमोस्ट इतना ही, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ जिनको आपको शैम्पू करने के बाद गीले बालों में बालों को इस तरीके से बांध लेना है, जिनके बाल एक तो वेवी हैं, सेकंड उसमें हमने स्टेप कट किया है, तो अगर ये बाल इस तरीके से बांध लेंगे, गीले बाल 50% गीले 50% ड्राई, उन बालों को इस तरीके से बांध लो, जैसे ही वो सूखेंगे तो ये नेचुरल कर्ल्स उसमें इस तरीके से आ जाएंगे, जैसी है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर डालें स्टेप हेयर कट। बाय, थैंक यू सो मच।